बेशर्म रंग के दृश्य देखे होंगे। गाना काफ़ी वायरल हुआ है और हिंदुओं का बस एक ही प्रश्न है पठान के मेकर से, और वो प्रश्न ये है, अपने फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए आपने हिंदुओं की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई? क्या ये ज़रूरी था कि बेशर्म रंग गाने में आप भगवा रंग का इस्तेमाल करें? क्या ये ज़रूरी था? नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम था कि ऐसा करने से गाना विवादित होगा, सुर्खियों में आएगा, खूब चर्चा बटोरेगा, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। आज आपके इस गाने को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। तो क्या ये पब्लिसिटी का नया तरीका है, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर जो रंग, भगवा रंग हिंदुओं के लिए आस्था, विश्वास, श्रद्धा, शुद्धता का प्रतीक है, आप उस गाने को, उस रंग को दर्शा रहे हो एक ऐसे गाने में जिसका नाम आपने रखा बेशर्म रंग? इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये सही नहीं होगा, ये कहना सही नहीं होगा कि इस गाने को एक दूषित मानसिकता से फिल्माया गया? मेरे ख्याल से ये उचित होगा, ऐसा कहना उचित होगा, क्योंकि गाने के दृश्य को देखकर साफ समझ में आता है कि आपकी मानसिकता क्या है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप ऐसा काम किसी दूसरे मजहब के खिलाफ करते, अगर आप किसी दूसरे मजहब की आस्था को ठेस पहुंचाते, तो आपको क्या पता है उसका अंजाम क्या होता? आपको पता होगा, सर तन से जुदा, यही तो किया जाता है ना। इसलिए आपने ऐसा ना करके हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना ज़्यादा आसान सोचा, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म जीवन का आदर करता है, सर तन से जुदा मानसिकता में विश्वास नहीं रखता है। तो मेरे ख्याल से वोक कम्युनिटी को अब जागरूक होना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है, और अब हम इसे सहन नहीं करेंगे। इनफ इज इनफ। आप तत्काल अपने गाने से, जिसका नाम है बेशर्म रंग, उन दृश्यों को हटाएं जिसमें भगवा रंग को दर्शाया गया है, उसके बाद आप इसे रिलीज करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस फिल्म का बहिष्कार करेंगे, पूरे भारत में करेंगे, क्योंकि कोई फिल्म किसी धर्म की आस्था से बढ़कर नहीं होती, कोई फिल्म किसी देश से बढ़कर नहीं होती है। बेशर्म रंग जी, देखिए, आप भगवा रंग की बिकिनी पहने, भगवा रंग की साड़ी पहने, आप गाएं, नाचें, कूदें, झूमें, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप भगवा रंग को ऐसे गाने में दर्शाते हैं जिसका नाम आपने खुद रखा बेशर्म रंग, इसका क्या मतलब निकाला जाए? वोक कम्युनिटी के कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो संतरे का रंग है, ये क्या बात हुई? कल के दिन अगर हम हरे रंग का अपमान करके ये बोलें, अरे ये तो तोते का रंग है, तो आप इस बात को स्वीकार करेंगे? हमें इस तरह की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। हरा रंग और केसर रंग, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग हैं, और भगवा रंग के क्या मायने हैं
यह हम सब जानते हैं, हिंदुओं के लिए भगवा रंग आस्था, विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है। और ऐसे में अगर सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए आप भगवा रंग का इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे गाने में जिसका नाम है बेशरम रंग, तो इससे साफ समझ में आता है कि आपकी मानसिकता कितनी दूषित है। देखिए, मेरा निवेदन है शाहरुख खान जी से कि वो इस देश में तनाव पैदा ना करें, कानून व्यवस्था की जो ये है समस्या, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना करें। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी धर्म की आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जानबूझकर हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की आस्था के साथ छेड़खानी की जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आगे अगर भगवान ना चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्यों क्यों तनाव पैदा किया जा रहा है भारत देश में? क्या मिलेगा? सुर्खियां पाने के लिए, हेडलाइंस ग्रैब करने के लिए, ये क्या बात हुई? मैं खंडन करती हूँ इस तरह की सोच को, इस तरह की पीआर एक्टिविटी को मैं खंडन करती हूँ। जी जी जी, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के जो चीफ हैं खाजी जी, खाजी अली जी, उन्होंने हाल ही में मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया कि वो पठान फिल्म का विरोध करते हैं और बहुत जल्द वो एक FIR दर्ज करेंगे, एक शिकायत दर्ज करेंगे फिल्म पठान के ख़िलाफ़, और वो चाहेंगे कि पुलिस तत्काल एक FIR दर्ज करे उनकी शिकायत के आधार पर। और वो ये भी कहते हैं कि शाहरुख खान जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पर करें, पठानों को बदनाम ना करें, क्योंकि पठान, एक सच्चा पठान कभी भी किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करता है। एक सच्चा पठान सभी धर्मों का आदर करता है। ये जो गाना है ये पठान की सभ्यता के ख़िलाफ़ है।